उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के बागोया ग्राम पंचायत में हम पहुंचे हैं और यहाँ प्रत्याशी के रूप में है पुष्पा देवी और उनके परिवार से है रमेश जी सैनी। अगर रमेश जी सैनी आपको जनता मौका देती है और जीत जाते हो तो किस तरह से क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? प्रथम मेरी शिक्षा के प्रति रहेगी, स्कूल में विकास कराऊंगा, रोड का काम करवाऊंगा, पानी बिजली चिकित्सा मुहैया कराऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने नरेगा से रोजगार दिलाया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार से जो भी योजनाएं हैं जैसे टॉयलेट बाथरूम है, वितरण जो होता है डीलर द्वारा, जो है उनको पेंशन की दिलाई जाएगी, जो गरीब लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवासीय योजना में लाभ दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। कभी भी जाति विशेष को वो नहीं देता हूँ, सभी को एकत्रित होकर सम्मान देता हूँ और सभी को सम्मान समझा जाएगा। भी बागोरा ग्रावड़ी में विद्यालय हैं उनमें अगर स्टाफ की कमी है तो वहाँ स्टाफ की भरपूर व्यवस्थाएं करवाई जाएगी और बागोरा स्टैंड पर जो स्कूल है उसको मैंने साइंस करवाने के लिए राकेश जी तेतरवाल जी से मैंने आग्रह किया है। गहंगला ग्रहणी जो स्कूल है उसको कन्या पाठशाला के लिए प्रहलाद जी मीणा जो उसके अध्यापक हैं प्रहलाद जी मीणा उनसे भी मैंने आग्रह किया है, वो फाइल तैयार करके आगे भिजवाएं उसको और उसको कन्या पाठशाला में प्रवंत करवाएं। इतने भी सार्वजनिक स्थान हैं जैसे बागोरा स्टैंड पे एक शौचालय बनवाऊंगा, एक पानी का टैंक की सुविधा वहां करवा के दूंगा और गांव को हरा भरा बनाने के लिए प्रत्येक ढाणी रास्ता जहां है वहां पे पेड़ लगवाऊंगा, ये मेरा अहम मुद्दा रहेगा। सभी माताओं बहनों आप देख रहे हो नरेगा में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, वो घोटाला आपके सामने नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा नरेगा में जॉब दिलाऊंगा। मैं जितने भी सर्व समाज की यहाँ बागरा और गिरावड़ी में शमशान भूमि है उनको चार दीवारी करवा के उसमें पानी की व्यवस्था करवाऊंगा और टॉयलेट बाथ भी करवाने की व्यवस्था करवाऊंगा मैं वहाँ पे, कि जो भी वहाँ पे जाए वो व्यवस्था रहे और टेंट सेट का मैंने ऑलरेडी काम चालू कर भी रखा है एक दो जगह पे, वो तैयार भी हो रहा है। युवा मेरे साथी हैं उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। युवाओं के लिए मैं खेल ग्राउंड दौड़ के लिए ट्रैक तैयार करवा रहा हूँ, मैंने उनको आग्रह किया है कि चाहे पंचायत मेरी बने या ना बने लेकिन मैं ये काम आपको सुनिश्चित करके दूंगा। और एक गौशाला के लिए मैंने SDM साहब को ज्ञापन भी दिया है कि मुझे जगह आवंटित करवा के दो, मैं आपको एक बागोरा ग्राम पंचायत में गौशाला बनवा के दूंगा। बागोरा में गौचर भूमि बहुत सारी जगह पड़ी हुई है और मैंने SDM साहब से आग्रह किया है कि वो मुझे कहीं भी 2-4 बीघा जमीन आवंटित करके दें, मैं वहाँ पे गौशाला बनवाने का आग्रह करता हूँ क्योंकि यहाँ पे रात भर पशु उनको आते हैं परेशान करते हैं, जब किसान लोग सो नहीं पाते हैं। मैं खुद 8 साल से ये देख रहा हूँ, मैंने यहाँ की जो उदयपुर वाटी के SDM साहब को मैंने ज्ञापन भी दिया हुआ है और रात्रि चौपाल में आज 10 महीना हो गया मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं आया है। मैं आग्रह करता हूँ बार बार कि मुझे कहीं भी 1-2-4-5 बीघा जमीन आवंटित करवा दें, मैं वो गौशाला का काम इमीडिएट स्टार्ट करवा दूंगा। मैं पंचायत में राजस्थान सरकार से राशि आएगी वो सभी वार्ड पंचों और जो मेरे युवा साथी हैं वो सब मिलजुल के यहाँ पे कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी के आधार पे ही काम होगा कि यहाँ यार ये जरूरत है भाई साहब यहाँ पे ये जरूरत है, सभी को मिलजुल के काम करेंगे, सभी के सामने वो राशि रहेगी, उसमें न खाऊंगा और न खाने दूंगा एक ही नारा रहेगा मेरा, न खाऊंगा और न खाने दूंगा आएगी उसका सदुपयोग किया जाएगा ना कि दुरुपयोग किया जाएगा। बागोरा पंचायत में 11 वार्ड है, 11 वार्ड पंचों की मैं प्रत्येक महीना एक मीटिंग होगी, मैं खुद वहाँ प्रत्येक वार्ड में जाऊंगा हर हफ्ते और उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो सुनूंगा और सभी वार्ड पंचों के साथ में मिलकर उसका समाधान करूंगा। मेरे सभी ग्रामवासियों से
अपील करता हूं, 10 तारीख को मतदान होना तय है, उस मतदान में सभी मिलजुल कर आलमारी के निशान पे बटन दबा के पुष्पा देवी को विजय बनावें। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं है, ये आपका लाडला भाई आपके साथ रहा है और रहेगा, आप इसमें सहयोग करें। केंद्र और राज्य सरकार की जो भी गाइडलाइन है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस है, मास्क है, सैनिटाइज है, सब का उपयोग करें, ये मेरी आप सभी से निवेदन है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपको क्या अपेक्षा है, कैसा सरपंच होना चाहिए आपकी पंचायत के अंदर? हमारी यही अपेक्षा है कि हमारा सरपंच ऐसा होना चाहिए कि सरकारी दफ्तर में जाके अधिकारी से बात कर सके और सुनिश्चित जो ग्रामीण में, ग्राम पंचायत में जो योजनाएं आती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देवे हमारे ग्रामीण को। राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी योजनाएं आती हैं हमारे ग्रामीण को ज़्यादा से ज़्यादा उनका लाभ देवे। हमारे सरपंच से ये अपील है कि हमारे डूंगर की डाणी गांव बागोरा, इधर सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ये अपील हमारी है कि सड़क की व्यवस्था करी जाए, पानी की व्यवस्था करी जाए और ये हमारी अपील है। एक हमारी सरपंच से ये अपील है कि गार्ड से शीतला माता मंदिर तक जो सौर ऊर्जा की लाइट है उनकी व्यवस्था की जाए, कि हम रनिंग करते हैं सुबह 4 बजे शाम को, तो हमारे दौड़ करने में कोई दिक्कत ना आए, ये हमारी अपील है सरपंच से जीतने के बाद। आपको क्या अपेक्षा, कैसा सरपंच होना चाहिए आपकी ग्राम पंचायत के अंदर? बिना भेदभाव वाला सरपंच है हमें। और क्या अपेक्षा आपकी सरपंच से? पानी की सुविधा करवाए, सड़क की सुविधा करवाए और बाथरूम संडास वगैरह लाइट की सुविधा करवाए। केंद्र की जो सरकारी योजना है जैसे लेटरिन बाथरूम है जो गरीबों के बनना चाहिए, और नरेगा के अंदर बेरोजगारों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए, ऐसा सरपंच होना चाहिए। गरीबों को पेंशन मिलनी चाहिए, गेहूँ मिलने चाहिए और नरेगा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलना चाहिए।